पंजाबी दे बहुत ही इहो जिहे ठेठ शब्द आपां वरतदे आं जिहड़े साडे सुभाअ दा हिस्सा बन जांदे आ, पर सानूं उहनां दे इतिहास बारे नहीं पता। इह नहीं पता कि शब्द आया कित्थों है। इस प्रोग्राम दे जरिए कुछ इहो जिहे शब्दां बारे ही तुहानूं दस्सिया करांगे। शुरू करदे आं इक हासोहीणे जिहे शब्द तों, गपौड़ संख। किहदे लई वरत्या जांदा है गपौड़ संख? किसी यहोजे गप्पी आदमी लिए वरत्या जाता है जो वादे तक करे पर सिरे ना चाड़े। यहोजे बहुत सारे गपौड़ संख अपनी जिंदगी दे विच हुंदे है। इस शब्द के पिछोकड़ के बारे एक लोक कहानी है। कहिंदे कि एक लोभी शख्स ने माया प्राप्त करन दे ख्याल नाल शिव की भगती की, आराधना की। शिव उहदी नीयत ताड़ के हासे भाणे उन्हों एक संख वरदान वजो दे के भी लै भगता, जो तू मंगेगा तेनू दुगना होके मिलूगा। भगत पूरा खुश संख नू घरे ले आया। घर विच उहदे काफ़ी भुख नंग वरती हुई सी ते रहण दा कोई टिकाणा नहीं सी। पहला तां उन्हें सोचा भी मकान बनाउने आ, मकान वास्ते संख तो पैसे लैने आ। भगत ने संख तो मंगया 1000 रुपया। संख ने उत्तर दिता भी ला 1000 दी की गल है भगता, तू 2000 लै। भगत ने खुश होके कहा भी हाँ 2000 दे दे। सारा परिवार इकट्ठा हो गया भी खुशी नाल फुले ना समोण भी 2000 मंगया सी कि 2000 मिल रहा है। 2000 दी जदों गल होई सुन के संख महाराज कहन लगे कि 2000 दा की करना, तू 4000 लै। इदां ही जिन्ने पैसे भगत होरी मंगदे संख महाराज दुगने देण दी गल दोहरा दिंदे, पर उत्थों झाड़दे कुछ ना। जदों गल हुंदी 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 लखां तक पहुँच गई तां भगत खिज के कहन लगा भी महाराज कुछ दोगे भी कि एवें दूणे दी आस ही दवाउंदे जाओगे। संख महाराज फिर बोले कहिंदे भाई असीं तां दूणे दसना ही जाणदे आ ते इहनूं साडे कोल की धरिया पिया। सो इत्थों इह मुहावरा शुरू हुंदा है गपौड़ संख। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਗਪੌੜ ਸੰਖਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੀ ਹੈ।